हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आपके सामने जो रिक्रूटमेंट आई हुई है LNT के लिए, उसमें कौन कौन एलिजिबल है। देखिए डिप्लोमा वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है, जहां बिल्कुल फ्रेशर्स की डिमांड की गई है। 2024 वाले भी एलिजिबल है। इसके साथ साथ ट्रेनीज़ के लिए रिक्रूटमेंट है, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहां भी बिल्कुल फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है और यहां BTech की वो है। नेक्स्ट क्या है कि फील्ड इंजीनियर में बिल्कुल फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है और यहां भी जो है इंजीनियरिंग ब्रांच वाले ही एलिजिबल है। दोस्तों कौन कौन सी ब्रांच कहां कहां एलिजिबल है, ये तभी समझ में आ पाएगा जब आप वीडियो पूरा देखेंगे। इसके साथ साथ आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैंने टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ये सभी और व्हाट्सएप, ये सभी मैंने सोशल नेटवर्किंग इसलिए बनाई है कि आपकी सारी क्वेरी दूर हो जाए। तो रिक्वेस्ट टू यू, ऑल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके जरूर फॉलो कर लें। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में, किस किस के लिए कहां कहां से आई हुई है। दोस्तों LNT की तरफ से पहले तो बता दूं LNT क्या है। LNT की फुल फॉर्म है लार्सन एंड टोब्रो जो है इंडिया की एक बैकबोन कंपनी है। जिनको नहीं पता है वो एक बार देख सकते हैं। LNT का नाम बहुत है, बहुत आगे है, मल्टीनेशनल कंपनियों में से है और ग्लोबलाइट वर्क करती है। दोस्तों वैसे तो LNT के अंदर 157 कंपनीज है, लेकिन मेन जो वर्किंग इंडिया में है वो 65 कंपनीज वर्किंग है। उन्हीं में से आपका एक सिलेक्शन होने वाला है, जिनके बारे में मैं बता देता हूं। दोस्तों बात कर लेते हैं कहां कहां इनकी पोस्टिंग रहेगी। वैसे तो कहीं भी रह सकती है, लेकिन ये मैक्सिमम कहां कहां रहेगी, ये जो इनके ही जॉब पोर्टल पे मेंशन है, लेकिन पैन इंडिया ही मान के चलिएगा। पैन क्या होता है, पैन की फुल फॉर्म होती है प्रेजेंस अक्रॉस नेशन। दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारी O&M इंजीनियर, बहुत सारी, लेकिन मैं बिल्कुल फ्रेशर्स के बारे में बात करूंगा जो आपके लिए बिल्कुल ही बेनिफिशियल रहेगी। जो सबसे पहली वैकेंसी है कब आई है, ये 6th of May को। आज क्या डेट है जब आपके सामने वीडियो आ रही है, 7th of May, और 6th of May को वीडियो आई थी, ये वैकेंसी आई है। आप फर्स्ट एप्लीकेंट होंगे जो अप्लाई करेंगे। इसमें कौन एलिजिबल है, डिप्लोमा मैकेनिकल मेटलर्जी। कौन कौन, डिप्लोमा मैकेनिकल एंड मेटलर्जी वाले। कितनी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में वैकेंसी है। कौन कौन एलिजिबल है, यहाँ डिप्लोमा इन मैकेनिकल वाले एलिजिबल है। फैब्रिकेशन में आपकी जॉब रहने वाली है, फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन में। दोस्तों इसमें क्या चाहिए, इन्होंने बोला है जब यहाँ फ्रेशर्स के लिए, ये जब डिप्लोमा इंजीनियर है तो यहाँ कोई रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ही नहीं। इन्होंने बोला है बस फैब्रिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए आप मैकेनिकल वालों ने ऑलरेडी अपने जब प्रोजेक्ट्स किए होंगे, कॉलेज में प्रोजेक्ट्स किए होंगे, तब भी उन्होंने फैब्रिकेशन की के बारे में पता ही होगा, तो थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज़ गुड। और यहाँ एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्होंने बोला है बिल्कुल फ्रेशर्स वाले यहाँ एलिजिबल है और फ्रेशर्स वाले को हम हाईली रिकमेंडेड करेंगे, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। बात टेंशन मत लीजिए, जो यहाँ एलिजिबल है उनके लिए मैं अप्लाई भी करके दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में। नेक्स्ट जो है वो है वैकेंसी ट्रेनीज़ के लिए। ट्रेनीज़ में कौन कौन एलिजिबल है, ट्रेनीज़ में एलिजिबल है इंजीनियरिंग की ऑल ब्रांचेस। ट्रेनीज के लिए LNT ने वैकेंसी निकाली है, जो कि अभी तक इनके पोर्टल पे मेंशन हो रही है, और उसकी लास्ट डेट रहने वाली है मे एंड। जो मे एंड तक इस वीडियो को देख रहा है तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, मे एंड 2024। दोस्तों ये रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस कितना है, 0 to 1 ईयर्स। 0 to 1 ईयर्स मतलब बिल्कुल फ्रेशर्स वाले एलिजिबल हो सकते हैं, आज ही अप्लाई कर दीजिएगा, कोई सोचने वाली बात नहीं है। कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, ब्रांच के बारे में बात कर लेते हैं, तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, CS, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑल ब्रांचेस यहां एलिजिबल हैं। तो आप जो ट्रेनीज के लिए वैकेंसी है, इसमें BTech और BE ऑल ब्रांचेस अप्लाई करें, जो कि ट्रेनीज के लिए है। बात कर लेते हैं पास आउट ईयर की। दोस्तों 2024, 2023, 2022 वाले यहां डायरेक्टली एलिजिबल है, मत छोड़िएगा। आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, मत इसको टेंशन, मतलब अपने बारे में, इसके बारे में मत सोचिएगा इसको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आप बोल रहा हूँ अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर दीजिए अभी। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो निकल के आ रही है फील्ड इंजीनियर के। फील्ड इंजीनियर में बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी मांगी गई हुई है, और यहाँ इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो अगर फ्रेशर्स वाले अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेशर्स वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई सोचने वाली बात नहीं है। देखिए ये तीनों वैकेंसी का डायरेक्ट लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं इनको अप्लाई करने की। दोस्तों साइड में आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे दो चीज मांगेगा, अगर आप न्यू यूजर है तो रजिस्टर कर लीजिएगा, ओल्ड यूजर है तो साइन इन कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, ये आपके सामने कुछ एक सीट नजर आ जाएगी। जो सबसे पहले वाला कॉलम होगा दोस्तों, इसमें आपको अपडेट कर देना है अपना रिज्यूम। देखिए 90% बंदे यहीं से बाहर हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे यार
इंजीनियर जॉब्स वर्ल्ड भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके 90% स्टूडेंट्स के सीवी देखे हैं। आप जो गलती करते हैं कॉमनली सभी एक जैसी गलती करते हैं, ऐसा मत कीजिए। मैंने पहले भी बताया है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, तो गलतियों को जितना सुधारा जाए उतना अच्छा है। तो आप सभी के लिए मैंने एक रिज्यूम फॉर्मेट बना के अपने YouTube चैनल पे पूरा अपलोड कर दिया है, उसको जाके जरूर देखें, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देरी मत कीजिए, जल्दी से उसको जाके देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में और परमानेंट एड्रेस मेंशन बिल्कुल सेम रखिएगा, ये आपके लिए रहेगा। वर्क सिलेक्शन में फ्रेशर से मेंशन कीजिएगा, यहाँ फ्रेशर ही मेंशन कीजिएगा। इसके साथ साथ इंटर्नशिप में ऑप्शनल है, अगर आपने कहीं से इंटर्नशिप की है तो मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्शन टॉप टू बॉटम चलिएगा, टॉप टू बॉटम मतलब सबसे पहले बीटेक की है फिर ट्वेल्थ की है, ये मेंशन कीजिएगा। स्किल्स देखिए, पर्टिकुलर हर एक ब्रांचेस की स्किल्स अलग होती है, अगर यहां बताने जाऊंगा तो वीडियो 50 मिनट की हो जाएगी। अगर आपको अपनी ब्रांच से रिलेटेड स्किल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। लैंग्वेजेस में मेंशन कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, अटैच करने के बाद इसको सबमिट कर दीजिएगा। ये है आपके लिए वैकेंसी, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, देरी मत कीजिए, अभी अप्लाई कर दीजिए। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।